किचन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं और उनको छोटी किचन में काउंटर टॉप पर रखना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो बहुत सारी जगह कवर कर लेते हैं। नमस्ते एंड वेलकम टू कैच लाइव विद भूमि। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैंने अपनी छोटी किचन में इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम को अरेंज किया है। तो सबसे पहले मैंने जो जगह डिसाइड करी जहाँ मुझे ये सारा सामान रखना था वो थी ये वॉल जो कि खाली थी, और इस वॉल के नीचे रखी हुई है ये एक रैक जिसमें मेरे किचन का बहुत सारा सामान रखा रहता है। तो इस रैक के ऊपर की जो ये वॉल है ये खाली थी और इसी खाली जगह में मैंने डिसाइड किया कि मैं एक वॉल शेल्फ लगाऊंगी। तो वॉल शेल्फ बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत थी वॉल ब्रैकेट्स की। ये वॉल ब्रैकेट्स मैंने अमेज़ॉन से लिए थे, आप मेरा अमेज़ॉन हॉल चेक करिएगा, बहुत आसान होता है इनको लगाना। तो इनको मैंने बहुत ही आसानी से ड्रिल मशीन की मदद से लगा लिया और इसके ऊपर रखी एक वॉल शेल्फ जो कि अगेन मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी। 48 इंचेस की इसकी लंबाई है और ये काफ़ी बड़ी होने की वजह से इस पर काफ़ी सारा सामान हम रख सकते हैं, ये अच्छा खासा वेट भी कैरी कर लेती हैं। तो देखिए इस पर मैंने रखे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो कि मेरी डेली ज़रूरत के हिसाब से थे। तो मैं न्यूट्री ब्लेंड का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो सबसे पहले मैंने न्यूट्री ब्लेंड यहाँ पर रख लिया। छोटी सी मिक्सी है जिसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके बाद मैंने रखा टोस्टर, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं तो जो ज़्यादा यूज़ वाली चीज़ें उन्हें हमें सामने रखना पड़ता है, तो मैंने इसके साइड में इस इनालसा के टोस्टर को प्लेस कर दिया। अब थोड़ी सी डेकोरेशन की ज़रूरत थी तो मैंने लगाया एक पोस्टर, और इसके अलावा मैंने ली अमेज़ॉन से ये एक वॉल क्लॉक जो कि किचन की थीम के अकॉर्डिंग थी। मुझे किचन थीम के अकॉर्डिंग ही वॉल क्लॉक चाहिए थी और ये मुझे बहुत पसंद आई थी और मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेस कर लिया। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक फ्राई पैन में हम एग बना रहे हैं, फोक और नाइफ है इसमें जिससे कि इसकी सुइयां बनी हुई हैं, मजबूत बॉडी है, कलर येलो है और इसमें हैंग करने के लिए भी बना हुआ है एक प्रॉपर प्लेस, पीछे बैटरी लग जाती है इसमें और इस तरह से हम इसको हैंग कर सकते हैं। तो क्योंकि ये काफ़ी मजबूत है मुझे पसंद आई तो मैंने इसको हैंग कर दिया, और हैंग होने के बाद इस एरिया को इसने बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत ही अच्छा सा डेकोरेशन दिया। तो देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है और नीचे है मेरी ये वॉल शेल्फ। अब इस वॉल शेल्फ को डेकोरेट मुझे करना था, तो डेकोरेशन के लिए सबसे पहले मैंने जैसे ये वॉल क्लॉक लगा दी, उस वॉल क्लॉक के बाद मैंने लिए ये वेस्ट साइड से खरीदे हुए फोक्स और स्पून्स के का एक जो मेरे पास ये कंटेनर था, पहले मैंने इसे अपनी स्टडी टेबल में रख रखा था, फिर मैंने इसमें कुछ आर्टिफिशियल प्लांट और फ्लावर रख दिए। जैसा कि मैं कह रही थी कि अगर आप किसी भी एरिया को सजाएं तो वहाँ थोड़ा सा हिस्सा डेकोरेशन के लिए भी रखिए, ये उस हिस्से की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा पार्ट डेकोरेशन का रखा इस पूरी वॉल शेल्फ में। अब ये थोड़ा सा डेकोरेशन का पार्ट यहाँ पे आ गया और फिर भी काफ़ी सारी जगह यहाँ पे बची हुई थी। तो इस बाकी की जगह में मैंने रखा इस तरीके का, देखिए एक मैसन जार था जिसे मैंने स्प्रे पेंट से पेंट कर दिया था, इसे मैंने यहाँ पे रखा। तो देखिए साइड की जो जगह थी यहाँ पे मैंने रखे अपने कप, क्योंकि यहाँ पे मेरा टी स्टेशन भी बना हुआ है, आप मेरा टी स्टेशन का वीडियो चेक करिएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रख दिए ये कप, और देखिए कितना सुंदर थोड़ा सा डेकोरेशन और बाकी हिस्सा कितना फंक्शनल ये लगने लगा। इसके बाद जो ये जगह खाली थी यहाँ मुझे अगेन अपना एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखना था, तो मैंने यहाँ पे रखी अपनी इंडक्शन जिसका कि मैं यूज़ करती हूँ, काफ़ी यूज़ होता है इसका, तो मैंने इंडक्शन को यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब देखिए इंडक्शन हो गया, इनालसा का टोस्टर भी मेरा हो गया, न्यूट्री ब्लेंड मैंने यहाँ पे रख दी, तो काफ़ी सारा हिस्सा यहाँ पे मेरा देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम एक वॉल पे सारे आ गए इस वॉल शेल्फ की मदद से। फिर मैंने इस वॉल शेल्फ में नीचे एक बास्केट होती है जो अंडर शेल्फ बास्केट होती है, लिंक मैं आपको इन सब चीज़ों का दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उसको मैंने लगाया। यहाँ पर आप मसालदानी रख सकते हैं, कुछ और छोटे आइटम्स रख सकते हैं इसके अंदर, या आप कोई छोटी बास्केट रख सकते हैं जिसमें छोटे छोटे आप निकनैक्स या छोटे छोटे आइटम्स भी रख सकते हैं। वैसे मैं नॉर्मली इसमें मसालदानी वगैरह रखती हूँ। एक और डेकोर पीस जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया वो था ये टूथपिक रखने का एक छोटा सा क्यूट डेकोर पीस,
इसको भी मैंने बहुत अच्छा लगा मुझे, इसको भी मैंने इंडक्शन के ऊपर, माइक्रोवेव के ऊपर प्लेस कर दिया और इस तरह से ये बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर सा एक पीस है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो इस तरह से छोटे छोटे डेकोर पीसेस से मेरा ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन तैयार हुआ। तो देखिए, रैक के ऊपर रखा हुआ है मेरा इलेक्ट्रिक कैटल और माइक्रोवेव, और वॉल शेल्फ के ऊपर मैंने बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रख दिए। तो इस तरह से जो ये पूरा एरिया है ये कवर हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से, क्योंकि स्विच यहाँ पास में है, पावर प्लग मैंने यहीं पास में लगा रखा है। तो जो आइटम मेरे यहीं से चल जाएंगे उनको तो मैं यहीं पे यूज़ करूँगी, जैसे माइक्रोवेव और इलेक्ट्रिक कैटल, बाकी को यहाँ से उठा के प्लेटफॉर्म पे हम या किचन के काउंटर टॉप के ऊपर रख के हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने कुछ अपने किचन में अरेंज किए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम के संग मैंने रखे कुछ डेकोर पीसेस, अगर अच्छे लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा ज़रूर आपको कौन सा वाला डेकोर पीस सबसे अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के संग। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।